अब इन थानेदार साहब को देख ले, इनकी कमर 26 इंच होगी और इनकी कमर में लगा बेल्ट चिल्ला रहा है कि गुरु हमें टाइट कर लो, फिर नहीं कहना पेंट नीचे खिसक जाएगा। सिंगल हड्डी गया है थानेदार साहब, असलियत में थानेदार नहीं बल्कि फर्जी थानेदार है यह जनाब। साथ में पुलिस अमला भी लिए है जिसमें एक मुंशी और एक कांस्टेबल भी है। यह दोनों भी फर्जी तरीके से पुलिस की वर्दी धारण किए हैं, लोगों को चूना लगाने निकले हैं। बाय गॉड, रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा सागर। 3 नकली पुलिस वालों की यह खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले की मकरोनिया से जुड़ी है, जहां मकरोनिया रेलवे स्टेशन पर यह तीनों घूम रहे थे। मकरोनिया पुलिस को यह खबर मिली कि भाई आपके होते या कौन लोग यहां लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। असल में मकरोनिया पुलिस को यह खबर आई कि मकरोनिया रेलवे स्टेशन पर 3 नकली पुलिस वाले असली वर्दी पहने घूम रहे हैं। उनके हुलिया से शक हो रहा है कि यह पुलिस वाले नकली हैं। बस क्या, असली पुलिस स्पॉट पर पहुंच गई और इन तीनों को धर दबोचा। जो एएसआई की वर्दी धारण किए थे उनका नाम अंकित अहिरवार है, वो उदयपुरा टीकमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। दूसरा सोनू अहिरवार जो मुंशी बने हैं वो छतरपुर जिले के हैं, जबकि गोपाल अहिरवार साहब कांस्टेबल बने थे वो भी छतरपुर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों को धर दबोचा है, अब इनसे पूछताछ चल रही है। सर आज क्या कार्रवाई की गई है, नकली पुलिस वालों को पकड़ा? ये 3 नकली पुलिस रेलवे स्टेशन के पास में मिली हैं। एक का नाम है अंकित अहिरवार और दूसरे का नाम है गोपाल अहिरवार, तीसरा है सोनू अहिरवार। दो लड़के ये छतरपुर के निवासी हैं और एक टीकमगढ़ निवासी है। इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके अपराध रिकॉर्ड भी हमारा जा रहा है, नियम के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सर इनकी सूचना कैसे प्राप्त हुई थी? ये हमारी बाद मोबाइल भ्रमण थी, उनके लिए सूचना प्राप्त थी तो उसके द्वारा हमें सूचना दी गई। इससे मौके पर उनको पकड़ कर थाने लाए हैं, जिन पर कार्रवाई की जाए। क्या करते पाए गए सर? ये पैसे मिले हैं अभी। सर इनके द्वारा कोई अवैध वसूली भी की गई है क्या? नहीं, अभी अवैध वसूली कोई सूचना नहीं आई। सुना है इनके जहन में शायद यह बात रही होगी कि पुलिस वर्दी पहनकर पैसा कमाती है, चलो दो हाथ हम भी आजमा लें। लेकिन असलियत में सारी पुलिस ऐसी नहीं होती, कुछ पुलिस वाले रिश्वत और लोगों से पैसा वसूलते हैं और वो ही लोग पुलिस का नाम बदनाम करते हैं। शायद ऐसे ही पुलिस वालों से पुलिस बदनाम होती है, लेकिन अधिकतर पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, जिनसे मध्य प्रदेश की पुलिस का इनकलाब होता रहता है। जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, मकरोनिया।